हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट पेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा रैबिट खाना क्यों नहीं खाता। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ए टू जेड ऑल इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस आज मेरे साथ सुबह में क्या हुआ वो आपको मैं बता देता हूँ। मैंने एक सीक्रेट पेट पाला था, वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। अब तो वो मर गया है, आज के दिन ही वो मरा है, तो मैं अगली वीडियो आज ही बनाऊंगा, तो वो मैं आज डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हो जाके। तो आप ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हमारा रैबिट खाना क्यों नहीं खाता है। आपको मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आपको पता है ह्यूमंस को दिन रात रोटी दे, सुबह रात और शाम रोटी देते जाए तो उसको खाने से मन भर जाएगा कि हाँ एक ही खाना दिया है, बार बार क्या बार बार खाना दे रहे हो, चेंज करो। वैसे ही रैबिट के साथ होता है। जैसे कि हम सुबह में रोटी खाते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि रात में रोटी खाएंगे, हमारा मन थोड़ी होगा। इसी कारण वैसे रैबिट के भी होता है। रैबिट को हम दिन रात घास ही देते रहेंगे तो हमारा रैबिट घास खाना बंद कर देगा। तो इसमें क्या करना है मैं वो भी आपको बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मैं इन्फॉर्मेशन इसमें सब कुछ डालूंगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे होते हैं जो वीडियो को स्किप कर देते हैं पर उन्हें इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं मिल सही नहीं मिलती डिटेल में। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता है हमारा रैबिट खाना नहीं खाता, तो इसके लिए हमें डाइट चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरे सामने रैबिट का घास आपने देखा है पड़ा हुआ है पिंजरे में, आपको आगे भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये घास मैं अपने रैबिट को दिन रात देता था, इसी कारण मेरे रैबिट ने भी खाना बंद कर दिया। तो मैंने क्या क्या किया है ये सब कुछ मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले जो जिनके लिए मैं सबसे मुश्किल काम ये है कि जिनके घर गांव में है उनके लिए ये ईजी रहेगा, शहर वालों के लिए मैं इसके बाद बताऊंगा। गांव वाले के लिए ये है कि गांव में तो बहुत सारे अलग अलग घास लगे होते हैं, तो आप ये घास देना बंद कर दो तो आप दूसरे घास देने लग जाओ। इससे भी आपके रैबिट घास खाना बंद कर दूसरे घास पे आ जाएगा, ये घास वो आप नहीं खाएगा। जब आप ये घास देते हो या आप कोई और घास देते हो तो आप वो घास मत दो, घट अमाउंट में दो, वो दो पर घट अमाउंट में, पर आप कोई और घास एक्स्ट्रा दो। अभी तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सा घास अभी देता हूँ, क्योंकि दिन रात तो मैं ये देता था पर रैबिट के लिए वैसे तो मैं डाइट में और भी कुछ देता हूँ। तो आपको मैं दूसरा घास दिखा देता हूँ मैं क्या क्या देता हूँ। जैसे कि आप ये मेरे हाथ में देख रहे हो, ये पत्ते ऐसे लंबे लंबे पत्ते हैं होते हैं जो हम अपने गाय को देते हैं, वो आप अपने रैबिट को दे सकते हो, वो आपके रैबिट को अच्छा लगेगा। जब आपका ये रैबिट घास नहीं खाता आप ये डाइट चेंज कर सकते हो। और जो आप शहर में रहते हैं उनके लिए भी और गांव वाले के लिए भी, जिनके पास कोई ऐसे घास नहीं अवेलेबल है तो आप क्या करो आपके लिए मैं बता देता हूँ। पहले आपने ऐसे ये जो घास है ना वो नहीं खाता तो ये सूखी घास तो लेनी है, पर इसके अंदर हमने ह्यूमंस और आटा मिला देना है जो हम खाते हैं, आटा मिला के रैबिट को देना है आपके रैबिट के हिसाब से। अब जैसे कि मेरे पास दो रैबिट है और इतना घास है, इस इतने घास में मैं मुट्ठी भर आटा देता हूँ अपने रैबिट को मिला के एंड मिक्स करके, तब आपका रैबिट 99% श्योर है कि आपका रैबिट वो घास खाएगा जब भूखा हुआ हो, आपके रैबिट को पसंद आएगा सुबह में भी। तो वीडियो मैंने शॉर्ट बनाई है और डिटेल में बनाई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका रैबिट तब भी नहीं खाता तो कैसे क्या क्या करना है। फुल इन्फॉर्मेशन में आपने मुझे कमेंट कर देना है, मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुई तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे आदमी होते हैं जिनके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है पर उन्हें ये वीडियो नहीं मिलती, तो उनके लिए उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।